हमने क्या करना है कि इसे एक्सट्रूड कर देंगे, ठीक है। एक्सट्रूड की कमांड पता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, मोड चेंज कर देंगे। और ये मिड वाला एरिया है, जैसे कि 2 फीट आप कह रहे हो ना, अभी मसला है ना, जैसे इसमें मैंने बनाया हुआ है, यहाँ तक हाफ है, यहाँ तक हाफ है, मतलब फुल फुल भी नहीं देना बेंच, जो स्लैब देना। अच्छा, कौन सा मिड वाला एरिया जो आप कह रहे हो थोड़ा ज़्यादा है, ये वाला ना? कैसे, ये कितनी हाइट है इसकी? हाइट इसकी 3 फीट है। 3 फीट इसकी, तो इसको अलग पोली लाइन बनाए, समझ आ रही है ना? PL पोली लाइन कर देते, यहीं से बना देते। अब देखो 3D में वो जो हाइट दोनों की एक ही है, बस ये बीच वाली जो है ना थोड़ी जगह बड़ी खाली है। नहीं, बीच वाली जगह अच्छा, खाली है, बिल्कुल खाली खाली के इधर वो आएगा ना, ओवन आएगा तो बनाना तो है ना? नहीं, वो नहीं बनाना ना, बस मैं इधर से डिलीट ही कर दूंगा ना, डिलीट कर दूंगा। सो ये बाद में सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसका मैं बता देता हूँ, अगर डिलीट कर लो सही। देखो मूव कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, तो ऊपर की तरफ नहीं, पहले एक्सट्रूड करेंगे फिर मूव करेंगे। अब देखो ये कितना खाली है, टोटली खाली है, टोटली खाली है, जगह सारी खाली है, बिल्कुल खाली है। देखो अभी अभी बनाने का मकसद क्या होता है, सबसे पहले तो वो फाइल हमने उठानी, ये वाली हमारे पास कितनी 2 की, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ एक्सट्रूड, कर दिया, इस पर क्लिक किया, इंटर कर दिया। अब देखो इतनी ज़्यादा लाइन ही नहीं आ रही, बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को मैंने और बड़ा कर, क्या कर, तरीका बताया जाए? दोबारा करना पड़ेगा, यहाँ पे पोली लाइन हम उसे एक्सट्रूड करेंगे, देख रहे हो, अब पोली लाइन सेलेक्ट करके मैंने ऊपर किया। अगर आपको दूसरे फाइल की स्केल नहीं मालूम वो कितना स्लैप है, 3 फीट का है 2 फीट का है ना, तो आप जब इसे एक्सट्रूड कर रहे होते हैं ना, माउस को आप कहीं पे भी लाकर यहाँ पे क्लिक कर दो, ये उसके मुताबिक एक्सट्रूड हो जाएगी फिक्स उसके ऊपर, ये साइज यहाँ पे समझ आ रही है ना कैसे मैंने कर दिया, बिल्कुल ये फिक्स हो गया, इसके अंदर एरिया हो गया। अभी सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट, 3 कमांडें याद रखो, एक्सट्रूड की, उठाने वाली, यूनियन की, सबट्रैक्ट की। अब हम दूसरी कमांड जो इस पे काम कर रहे हैं वो सबट्रैक्ट की, वो काम कैसे की जाती है, शेडेड में कन्वर्ट करेंगे, ये एक बॉक्स बना हुआ है इसका, ये देखो अभी आ रहा था नजर, ये अच्छा ये हो रहा है ना सिलेक्ट। अब हम ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब सबट्रैक्ट कर, ये आपको यहाँ पे कमांड मिलेगी, ये क्या है, यूनियन की, और ये सबट्रैक्ट, इस पर क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्लिक किया, इंटर करने आपको। अब वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो आप उसे सबट्रैक्ट करना चाहते हो, ये है हमारे पास, क्लिक किया, इंटर कर दिया, ठीक है। मजीद इसमें जो डिटेल करनी होती है वो बाद में हम देखेंगे, मतलब छोटी छोटी बनाने के लिए। ये जैसे हो गया, एक हमारे पास साइज बन गया, वो आप टॉप पे कर लो पहले, ये जो 3D है। अब इसमें हमने ये सबट्रैक्ट नहीं करना, वो टोटली बंद है ना सारा, बीच में खिड़की भी आ रही है, ठीक है ना, ये ख्याल। अच्छा, वो प्लस का साइन नजर आ रहा था जहाँ से शुरू की होती है पोली लाइन, इस पर क्लिक किया, एंटर कर दिया। अब ये पोली लाइन कहाँ पे बनी इसे हमें देखना होगा व्यू चेंज करके। अब इसको क्या करेंगे, इस पोली लाइन को मूव करते, यहाँ पे हम उठा देते, यहाँ पे लगा देते। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, 3 फीट, अब यहाँ से हमने ऊपर उठाना है, ठीक है। अगर आपको इधर समझ नहीं आ रहा कि ऊपर एरिया वगैरह कितना है, ये वो कि ये वाला था, क्या हुआ यार, टोटल कितनी हाइट है, 10 फीट, एंटर कर दिया। अब देखो स्केल का भी काम आता है ना, इसको सिलेक्ट किया, सी ओ कॉपी करके, इस पर कॉपी कर लेते हैं, कितना था, 2 5, ये हो गया, ठीक है। ऊपर की कितनी जगह आपने छोड़ी, 1 फीट छोड़ी हुई, तो यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते, नीचे ले आते, कितनी, 1 फीट, इंटर, स्केप कर दो, ये सिलेक्ट उठाओ, मूव करो, इंटर करो, इसको अंदर से उठाओ, इसको अंदर के साथ अटैच कर दो, इंटर कर दो। वो जो छोटी सी चीज़ है, छोटी सी छोटी चीज़ गलती के लिए नहीं छोड़ो, ठीक है। ये अब एक एक किस्म का वो बन चुका है, और जो आ रही है कौन सी, ये लाइन आ रही है जी, इसे ये पोली लाइन अटैच है ना इसके साथ, ये नजर नहीं आएगी जब रेंडर किया जाएगा। अब देखो एक तो डोर हम बनाते हैं, इसको बंद करना होता है, डोर विंडो कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। विंडो के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं ना, मेरा डोर तो 7 फुट का है ना, 7 फुट का होता है, ऊपर से तो बंद होगा ना, 2.5 फुट का इस तरफ से, ऊपर से तो बंद है ना, बंद होगा, बंद कैसे किया जाएगा अभी मुझे आप बताओ। एडिशन करना है मेरे को, क्या एडिशन करेंगे इसमें, यूनियन, मतलब यूनियन करेंगे, ठीक है, यूनियन कमांड अभी अप्लाई होगी। ये डोर है हमारे पास, ऊपर कितना एरिया बंद होगा कि नीचे खाली कितना रह जाए, 7 फीट है ना, कितना होगा, ऊपर से 3 फीट बंद कर दो। बॉक्स लिया मैंने, क्लिक किया इस बॉक्स से, ठीक है, ऊपर कर रहा हूँ, कितना हाइट होना चाहिए, 3 कर देंगे, तो इतना हो गया, ठीक है। अब इसको करना क्या है, ऊपर ले जाए, ठीक है, पहले तो हम से करते हैं, खैर इसी तरह ले जाते, मूव कर दो, मूव करते हैं, क्लिक किया सर, देख लो अभी हम फिक्स नहीं कर सकते, फिक्स कर तो सकते हैं पॉइंट टू पे, पॉइंट लगा दो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है स्केल पे करके इंटर कर दो, समझ आ गई। ये किया, अब इसको मूव कर दो, क्लिक
एंड क्लिक, ठीक है हो गया। अब देखो ये अलग अलग ऐसी फिर चाहिए तो इसको हम मैच करने के लिए यूनियन की कमांड है यूएन, ठीक है आई आप लगा दोगे यूनियन कमांड आ जाएगी। यूनियन क्लिक किया, क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, इंटर कर दो। अब देखो ये एक हो चुका है, ये देखो मैच हो चुका है। व्यू चेंज करनी है, 3D टाइप भी कर सकते हैं क्लिक करके जी। विजुअलाइज पे आओगे, यहाँ पे व्यू पोर्ट लिखा हुआ, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 वर्टिकल, ठीक है। इस पर मैं क्या करता हूँ, पर्सपेक्टिव पे हम काम करते हैं इस पर, और इस पर मैं कर लेता हूँ फ्रंट पे। अब देखिए रूफ बनाते हैं। सबसे पहले रूफ बनाने के लिए क्या करेंगे, बॉक्स ले लेंगे, बॉक्स किया, यहाँ से लिया इंटर, हमारी टोटली ये रूफ है इंटर। ऊपर का कितना रूफ होती थी, 6 इंच इंटर, मतलब उसकी डेप्थ पूछी जा रही है। पहले ऊपर कर लेते, 10 फीट भी एंटर कर दिया। अब सेलेक्ट करो, मूव कर दो उसे, और किसी भी एंगल से पकड़ कर जाना चाहिए उसी एंगल में एक्स एक्सिस की तरफ, और 25 फीट इंटर कर दिया, फिक्स हो गया। यहाँ पे क्लिक करो, ये सिलेक्शन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, प्रेस पुल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये एरिया साइड वाला, इस पर क्लिक किया, ये प्रोजेक्शन हो रही है, कॉलम भी बनाया जाता है।